हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनली लॉ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है और ट्राइब्यूनल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, जैसे कि सर्विस ट्राइब्यूनल्स की रिकॉग्निशन है आर्टिकल 212 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वो क्या है और बार ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो। तो अगर हम ट्राइब्यूनल की मीनिंग देखें तो ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन ये है कि अ क्वासी जुडिशियल बॉडी व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ स्पेशल डिस्प्यूट्स। तो ट्राइब्यूनल क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब क्वासी का क्या मतलब होता है? क्वासी का मतलब है जस्ट लाइक, मतलब कि ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो जुडिशरी जैसे पावर्स एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनको हम कंप्लीट कोर्ट नहीं कह सकते। मतलब वो कुछ फंक्शंस जो है वो ऐसे करते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, मतलब कि दे एक्ट लाइक जुडिशरी, दे एक्ट लाइक कोर्ट्स बट दे आर नॉट कम्प्लीट कोर्ट्स। मतलब वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की जाती है स्पेशल डिस्प्यूट्स, मतलब इनकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो स्पेसिफिक मैटर्स, स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स के ऊपर होती है। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल में आ जाएगा सर्विस ट्राइब्यूनल्स। जैसे कि सर्विस ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो सर्विस मैटर्स के ऊपर होती है, मतलब सिविल सर्वेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी मैटर होगा तो उन पे ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव बनेगी ट्राइब्यूनल की, दैट इज सर्विस ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल को जो है हमें कंप्लीट कोर्ट नहीं कह सकते, ये जो है सिर्फ कोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 212 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे। तो आर्टिकल 212 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। अच्छा, इसका एक जनरल में कॉन्सेप्ट अगर दे दूं तो ये जो है आर्टिकल 212 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये एम्पावर करता है, मतलब ये लेजिस्लेचर को, बीट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, कि आप एक्ट पास कर सकते हैं, उस एक्ट के जरिए आप ट्राइब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो करवा सकते हैं। दैट मींस के मतलब आर्टिकल 212 एंड क्लॉज 1 जो है वो एम्पावर करता है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को कि वो एक एक्ट पास कर सकते हैं, उस एक्ट के जरिए वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर सकते हैं किसकी, ट्राइब्यूनल्स की। अब उन ट्राइब्यूनल्स की जो है ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव होगी और एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन कौन से मैटर्स पे होगी? तो क्लॉज 1 में जो मैटर्स दिए हुए हैं वो है मैटर्स रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पर्सन्स हु आर और हैव बीन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये जो है जो फर्स्ट मैटर्स हैं वो है रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब के सिविल सर्वेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव जो है वो ट्राइब्यूनल के पास होगी। तो आर्टिकल 212 का क्लॉज 1 जो है वो यही कहता है कि एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के पास पावर होगा कि वो एक्ट पास कर सकते हैं जिसके जरिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। उन ट्राइब्यूनल्स की एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन होगी सर्विस मैटर्स पे, तो उन ट्राइब्यूनल्स को हम कह सकते हैं कि दे आर द सर्विस ट्राइब्यूनल्स। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 212 का क्लॉज 2 को देखें तो क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 212 का वो बार करता है ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो अदर कोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शन को बार करता है और ये कहता है कि ट्राइब्यूनल अगर इस्टेब्लिश हो गया तो जो डिस्प्यूट्स, जो मैटर्स ट्राइब्यूनल्स इंटरटेन कर सकते हैं वो मैटर या वो डिस्प्यूट, वो केस जो है दूसरी कोर्ट्स इंटरटेन नहीं कर सकती। मतलब कि ये दूसरी कोर्ट्स के ऊपर बार लगाता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट ऐसा है जो ट्राइब्यूनल की एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन में आता है तो उस डिस्प्यूट के ऊपर कोई भी दूसरी कोर्ट कोई भी केस इंटरटेन नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती और कोई भी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं कर सकती। अगर हम इसकी वर्डिंग देखें तो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेरिन बिफोर कंटेंड वेयर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर क्लॉज 1। ये कहता है कि अगर क्लॉज 1 के तहत कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट या ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हो गया तो नो अदर कोर्ट शेल ग्रांट एन इंजंक्शन, तो कोई भी दूसरी कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती, मेक एन एनी ऑर्डर और इंटरटेन एनी प्रोसीडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सटेंड। मतलब कोई भी दूसरी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती, कोई भी दूसरी कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकती या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग इंटरटेन नहीं कर सकती जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन सर्विस ट्राइब्यूनल के पास। आर्टिकल 212 का क्लॉज 2 जो है फर्दर ये कहता है कि अगर
सपोज कर लीजिए ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश नहीं हुआ और ट्राइब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट से पहले कोई भी ऐसा मैटर जो है जो कि सर्विस ट्राइब्यूनल की अब एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, पहले जब ट्राइब्यूनल नहीं था तो अगर वो मैटर किसी और कोर्ट में पेंडिंग था तो जब जैसे ही ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो वाली प्रोसीडिंग जो थी अदर कोर्ट्स में जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी या पेंडिंग थी वो अबेट हो जाएंगी। अबेट रेफर करता है स्टॉप हो जाने को, मतलब वहां पे वो प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएंगी और वो सारे मैटर्स जो है वो पार्टी की एप्लीकेशन पे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे सर्विस ट्राइब्यूनल। तो अगर इसकी मैं बेयर वर्डिंग आपको बताऊं तो ये कहता है कि एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैटर व्हिच मे बी पेंडिंग बिफोर सच अदर कोर्ट इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रिब्यूनल अदर देन अपील पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट शैल अबेट ऑन सच एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई सी भी प्रोसीडिंग्स जो है उस मैटर से रिलेटेड है जो कि ट्राइब्यूनल की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, ट्राइब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट से पहले अगर कोई मैटर किसी और कोर्ट में पेंडिंग है तो जैसे ही ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो सारे मैटर्स जो है वो अबेट हो जाएंगे। अबेट का मतलब स्टॉप, ओके। और लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन एक ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपील पेंडिंग है तो वो अबेट नहीं होगी, बाकी अगर लोअर कोर्ट्स के पास कोई से भी जो है प्रोसीडिंग्स है पेंडिंग में तो वो सारे अबेट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 212 के क्लॉज 3 की तरफ। तो क्लॉज 3 ये कह रहा है कि अगर जो है ट्राइब्यूनल ने सर्विस ट्राइब्यूनल या किसी भी ट्राइब्यूनल जो क्लॉज 1 के तहत इस्टेब्लिश हुआ है, अगर उसने कोई डिसीजन दिया है, कोई जजमेंट पास की है, कोई डेक्री दी है या कोई ऑर्डर दिया है, उससे जो है अगर कोई पार्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं और अपील सिर्फ तभी की जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो केस है इसमें एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो है केस है और इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है वो डिसाइड करना है। मतलब अगर कोई भी केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है वो इन्वॉल्व करता है तो और सुप्रीम कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, ये केस जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, तब उस सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जो है वो जा सकती है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड किसी भी जजमेंट डेक्री ऑर्डर या सेंटेंस की। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो मैटर है, ये जो केस है, इसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व है। तो ये था हमारा आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर अब कंक्लूड किया जाए इन सब पॉइंट्स को तो आर्टिकल 212 का क्लॉज 1 जो है वो प्रोवाइड करता है, एम्पावर करता है लेजिस्लेचर को कि वो एक्ट के जरिए जो है ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज 2 की तरफ। क्लॉज 2 जो है वो बार करता है सब अदर कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को, बार करता है उन मैटर्स को एंटरटेन करने से जिसपे जुरिस्डिक्शन जो है वो सर्विस ट्राइब्यूनल्स की बन रही है। मतलब थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसी में ये था कि अगर ट्राइब्यूनल के एस्टेब्लिशमेंट से पहले कोई भी मैटर, कोई भी पेंडिंग जो है मैटर पेंडिंग है किसी और कोर्ट में तो जैसे ही ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो सारे मैटर्स अबेट हो जाएंगे। अबेट का मतलब स्टॉप के बाद जो उस केस में जो भी पार्टीज है वो जो है अपील फाइल कर सकती हैं ट्राइब्यूनल के पास। आर्टिकल 212 का क्लॉज 3 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट जो है वो अपील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को ये जो मैटर है, ये जो केस है, इसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है जिसको डिसाइड करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीव टू अपील दे देती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील लाया करेगी।